दोस्तों लियो फिल्म देख के आ रहा हूँ अभी अभी और आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स में बताऊंगा कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं, मतलब मूवी एंटरटेनिंग है या फिर नहीं। तो भाई पहली बात करें हम मूवी की स्टोरी की, तो मूवी की स्टोरी एक नंबर है, बहुत ही अच्छी है। मूवी का नाम लियो है और इसमें दोस्तों सस्पेंस भी यही है कि वास्तव में लियो मूवी में है कौन। पहला हाफ तो मूवी का इतना अच्छा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि समय कब निकल गया, लेकिन भाई मूवी का दूसरा हाफ थोड़ा सा बोरिंग है और दूसरे हाफ में कबाड़ा तब हो जाता है जब ये सारे राज एकदम से खोलने लगते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने मूवी के सारे राज खोल दिए डायरेक्टर साहब ने। ऐसा लग रहा था कि कुछ सस्पेंस मिलेगा या फिर कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से राज खोल दिए गए एंड में आते आते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेकंड हाफ में मूवी रुक गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद इतनी जल्दी जल्दी चली और सारे राज खोलती गई कि उसको देखने में ये लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, मूवी में संजय दत्त गुंडों के लीडर है, मतलब वो मेन विलन है। बात करें एक्टिंग की तो संजय दत्त से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, एक्टिंग अच्छी करी है लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। अगर आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है तो आप को थालापति विजय से, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरेंगे। पूरी मूवी में वो आपको हर जगह दिखेंगे और बार बार दिखेंगे, और जितनी बार दिखेंगे दोस्तों आपको अच्छी एक्टिंग करते ही दिखेंगे, आपको वो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और मुझे थालापति विजय के फेस का जो हाव हुआ बदलते हैं ना वो सेकंडों में, ये बहुत बढ़िया लगा यार, एक नंबर तरीके से बदलते हैं वो। अभी वो बिल्कुल शांत है लेकिन कुछ ही सेकंडों में वो बहुत ही तगड़े गुस्से में आ जाते हैं और फिर वही मारधाड़ स्टार्ट। मारधाड़ के मामले में अगर आपको मास सिनेमा पसंद है ना तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। वो सेकंड हाफ का थोड़ा सा ऐसा छोड़ देना, लेकिन मूवी में एक नंबर की मारधाड़ है। एक्शन सीन तो इतने बढ़िया तरीके से शूट किए हैं ना कि उसकी तारीफ जितनी करें उतनी कम है। तीसरी बात करें अनिरुद्ध की म्यूजिक की, तो म्यूजिक एक नंबर है लेकिन कई सीन्स में म्यूजिक सूट नहीं कर रहा था। अभी मान लो मूवी में मारधाड़ हो रही है लेकिन उसी मारधाड़ के बीच में म्यूजिक बज रहा है भैया कुछ अलग ही, जो सुनने में तो बढ़िया लग रहा है, कूल लग रहा है, लेकिन उन सीन्स पे सूट नहीं कर रहा, तो फिर वो मारधाड़ में फनी वाली फीलिंग डाल देता है वो ऐसा म्यूजिक। कुल मिलाकर कहें तो मूवी में थोड़ी सी कमियां हैं, बाकी बहुत ही अच्छी मूवी है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि LCU से कनेक्ट है या फिर नहीं, तो कनेक्ट है, तो मूवी देखे आना यार, समय और पैसा दोनों बर्बाद नहीं करेगी, मूवी आपको एंटरटेन कर देगी। फिल्मी बॉस की तरफ से मूवी को मिलेंगे 5 में से 4 स्टार। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।